तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग अभ्यास हो रहा है लखनऊ के राजभवन में। आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं। पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है, अंगूठा अग्नि तत्व का, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, अनामिका पृथ्वी और सबसे छोटी अंगुली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। पंच तत्वों के असंतुलन से ही हमारे देह में रोग होते हैं। मुद्राओं से पंच तत्वों का संतुलन होता, ध्यान मुद्रा प्रथम अंगुली और अंगूठा आपस में मिले हुए, वायु मुद्रा प्रथम अंगुली को अंगुष्ठ के मूल में रखा, ये गैस्ट्रिक के लिए, शून्य मुद्रा कर्ण रोगों के लिए, पृथ्वी मुद्रा ओबेसिटी ओवरवेट अंडरवेट से उनके लिए, वरुण मुद्रा मूत्र रोगों के लिए, शक्ति मुद्रा वीकनेस के लिए, अपान मुद्रा बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, जिस मुद्रा की आप आवश्यकता अनुभव करते हैं विशेष करके ध्यान मुद्रा एकाग्रता के लिए और वायु मुद्रा गैस्ट्रिक के लिए, जिनकी उम्र 40 से अधिक है उनके शरीर में त्रिदोष बढ़ने लगते हैं, सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का, बॉडी माइंड सोल थॉट्स इमोशंस एंड एक्शंस का, जीवन का संतुलन ही तो योग है। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का, वात पित्त कफ का, त्रिदोष सप्त धातुओं का और पंचभूताग्नि सप्त धातुग्नि जठाग्नि का पूरे अस्तित्व का संतुलन, यही योग और यही स्वास्थ्य है। समदोषा समाग्निश समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वस्थ।